Redmi Note 7S में लगी आग। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक स्मार्टफोन पड़ा हुआ है जो कि है Redmi का Note 7S और यहाँ पर इस फोन की वाट लग चुकी है। इस फोन की फटके चार हो चुकी है। यहाँ पर हंसी मजाक की कोई भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक सीरियस बात हो रही है आपकी सेहत को लेकर, अगर आप भी एक Redmi Note 7S या Redmi यूजर है तो। इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि ये किसका फोन था और ये कहाँ पर फटा, किस तरह से फटा, जिसका ये फोन था अब वो किस हाल में है। इस वीडियो में हम आगे जानने वाले हैं इन्हीं सब बातों के बारे में। अगर आप भी एक MI यूजर हैं, Redmi यूजर हैं, तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए, हो सकता है ये आपके लिए यूजफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को टाइम को बिना कचरा किए हुए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इस तरह की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फ़ोन था मुंबई में रहने वाले एक ईश्वरचंद नाम के व्यक्ति का, जो अपने ऑफिस में रोज़ की तरह ही अपना ऑफिशियल वर्क कंप्लीट कर रहे थे और उनका फ़ोन उनके सामने की बेंच पर रखा हुआ था। काम करते करते ईश्वरचंद जी की नज़र एकदम अपने स्मार्टफोन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके स्मार्टफोन से धुआं सा उठ रहा है, तो वो अपनी चेयर से उठकर वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर फ़ोन में आग लगती जा रही है और लास्ट में फ़ोन ब्लास्ट हो गया। जब इसकी रिपोर्ट ईश्वरचंद जी ने शायोमी के केयर सेंटर पर दी तो कंपनी ने ये जवाब दिया कि इसकी बैटरी के साथ छेड़छाड़ की गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और ईश्वरचंद जी ने ये भी कहा कि उस समय ये फ़ोन ना ही हीट कर रहा था और ना ही चार्जिंग पर था, ये एकदम रखे रखे ही ब्लास्ट हुआ है। जहाँ पर एक कहावत तो सच हो जाती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये तो कहो कि ईश्वरचंद जी की किस्मत अच्छी थी कि उनका स्मार्टफोन उनकी जेब में या उनके पास नहीं रखा हुआ था। आप एक बार अज्यूम करके देखिए कि अगर ये स्मार्टफोन की जेब में रखा होता तो क्या हाल होता। ईश्वरचंद जी की किस्मत अच्छी थी, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हम आपको बताने वाले हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं से आप किस तरह से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात तो सच है, कंपनियों को इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, क्या होगा। मतलब उनको अपने नए और बेहतर टेक्नोलॉजी के स्मार्टफोन्स बाज़ार में लॉन्च करने हैं और सेल करने हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ाना है। उन्हें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि जो उनको यूज़ कर रहा है वो सेफ है या नहीं है। यहाँ पर जो हमारी सेफ्टी है उसको हमें अपने आप ही मैनेज करना होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे जानते हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं से हम किस तरह से बच सकते हैं। सेफ्टी टिप नंबर 1, यूज़ ओरिजिनल चार्जर। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट से कोई भी लोकल चार्जर ले लेते हैं और उससे अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि फ़ोन को उसके ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करें। सेफ्टी टिप नंबर 2, डोंट चार्ज फोन ओवरनाइट। हम लोग यूजली क्या करते हैं कि फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दिया और पूरी रात के लिए छोड़ दिया। आप ऐसा ना करें, फ़ोन को लिमिटेड टाइम के लिए ही चार्ज करें। सेफ्टी टिप नंबर 3, डोंट ओवर चार्ज। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि फ़ोन फुल चार्ज हो गया फिर भी उसको चार्जिंग पर लगाए पड़े हैं। अरे यार क्यों लगाए हो, 101% थोड़ी ना हो जाएगा। इसलिए जब आप फ़ोन को चार्जिंग पर लगाएं और आपके फ़ोन की चार्जिंग 90, 95 या 98% हो जाए तो अपने फ़ोन को चार्जिंग से निकाल लीजिए। सेफ्टी टिप नंबर 4, डोंट अप्लाई प्रेशर। हम लोग क्या करते हैं कि अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया और कोई पेपर वर्क जैसे कि रजिस्टर या कॉपी या बुक हुई तो हमने उसको फ़ोन पर ही रख दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपको फ़ोन को डैमेज हो सकता है और आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। डोंट यूज़ फ़ोन व्हेन इट गेट्स हॉट। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि गेम खेल रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं, फ़ोन डाउन हो गया है फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं, और डाउन हो गया तो उसको जो है चार्जिंग पर लगा कर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इससे फ़ोन बर्न हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है और फ़ोन के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुँच सकता है। फ़ोन तो दूसरा आ जाएगा लेकिन जो एक बार नुकसान हो जाएगा आपके शरीर का वो वापस नहीं आने वाला है। तो फ़ोन को चार्जिंग पर लगाकर उसे यूज़ ना करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस